ब्लॉग लेके आपको लोग थीम पे जाइएगा, थीम पे जाके जब उसम का एक थीम आता है आपको वो इंस्टॉल करना है, आपको उसम का मिलेगा ये रहा, तो आपको वाइट वाला करना है और इसे अप्लाई कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा सक्सेसफुल। आपको इस जगह आके मोबाइल सेटिंग पे जाना है, डेस्कटॉप करना है, फिर जाके इस पर क्लिक करना है और स्विच द फर्स्ट जनरेशन विदाउट बैकअप पे क्लिक करना है। आपको याद रखें इस चीज़ को, मैन ये थिंक है आप थोड़ा सा भी दिक्कत करते तो आपका नहीं होगा, एरर आएगा तो फिर मुझे मत भूलिएगा। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें लर्न कर सकते हो होली का दिन है और होलिका दहन है, तो आज शुभकामनाएं होलिका आपको। और चलिए अब मैं स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो मैं ईडी टेस्टिंग मेल पर भेज जाऊँगा, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी मेरी वीडियो। मैं ये आया है आपको, तो इससे क्या करना है आपको ऑल सेलेक्ट करना है और इसे कट कर देना है। ये बड़ा मैं करता हूँ, इसे आपको हटाना है, मैं आपको इसे डेस्कटॉप मोड पे लेके जाता हूँ, ये इसे काम नहीं करेगा तो डेस्कटॉप मोड पे लेके जाते हैं। आपको डेस्कटॉप मोड पे करना है, फोन से ही हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं यार दो से तीन दिन में मैं $5 ईयर कर लिया, मैं उतना वायरल नहीं कर पाया फिर भी, तो सिंपल है कि आप सब तो इजीली कर सकते हैं। और आपको जैसे मैंने नोट्स में मैंने निकाल रखा है, देख सकते हैं ये है, तो इससे आपको कॉपी कर लेना है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप टेंशन ना लें, आपका भाई है, इस तरह से कर लेना है। और इस तरह काम भी हो गया मेरा, और आपको यहाँ आके पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो गया। अब फर्स्ट आपको चेंज भी करना है, चेंज क्या करना है, फर्स्ट आपको मैं आपका लिंक चेंज करना है, आपको इस जगह आपको आना है, ये जो फर्स्ट नंबर आपको योर लिंक है, इस जगह आप अपना वेबसाइट का लिंक बना लेंगे। और आपका वेबसाइट का लिंक कहाँ है मैं ये भी बताऊँगा आपको, ये आपको चेंज करना है, आपको याद रखें किस जगह। फिर देखें ऐड सबको आपको ऐड करना है, तो ऐड आपको डबल ऐड के बीच में ऐड लगाना है, ये कोड है, तो वो सब मैं भी बताऊंगा। तो इसे मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँ, क्या करते हैं सेव कर दूँ, ये सक्सेसफुल हो गया। अब आपको यहाँ से बैक जाना है और आपको अपना वेबसाइट को ऑन करना है, व्यू ब्लॉग पे जाना है, और ये जो हुआ ये आपका वेबसाइट कोड हुआ, ये वेबसाइट कोड हुआ, इस तरह से आपका खुलेगा। जैसे मैं यस से वो भेज रहा हूँ तो ओके मैंने किया, देख सकते हैं इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉन्ग है आप सुन सकते हैं। और थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि बगल में साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उसके लिए, सॉरी। थोड़ा सा ये जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप, इस जगह आप कीजिएगा तो आपका व्हाट्सएप ऑन तो होगा, बट आपका वेबसाइट लिंक ऐड ही नहीं है, तो कैसे आपका लिंक जाएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट आपको आप चलना है, आपको ओपन करना है आपका HTML, उस जगह अपना वेबसाइट का कोड में कॉपी कर लिया, मैं उस जगह पेस्ट करूँगा, तो मैं बैक किया, HTML पे क्लिक करूँगा और ये चला गया आपका, ये जो प्योर लिंक है मैं इस जगह क्लिक किया। और मैं इस जगह अपना लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, लिंक को पेस्ट कर दिया, एक जगह और लिंक मांगेगा, सो फ्रंट पे आपको मांगता है, उस जगह मैं चलता हूँ लेके, जैसे मैं
दिखा दूँ इस जगह से क्लिक है, इस जगह आपको अपना वेबसाइट का कोड डालना है। इस जगह मैं कोड डालूँगा, देख सकते हैं आ गया, कुछ भी लिख दिया आपके सामने में है सब चीज। जैसे मैं शेयर करता हूँ, इस तरह से आप अर्न कर सकते हैं। आप वेबसाइट को बस सिंपल आप शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, आप अर्न कर सकते हैं। अब अर्न कैसे होगा? ऐड के थ्रू। अब ऐड कैसे करना है, किस चीज़ का? तो सबसे फास्ट अभी रजिस्ट्रा का चल रहा है, वो एक मिनट में आपका मोनेटाइज कर देगा चैनल, चैनल का नाम डालना है और वेबसाइट को कनेक्ट करना है और आपका हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ, मैं ऐड लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको ऐड लगा के। मैं इस पर क्लिक किया, मैं चलूँगा आपको ऐड स्टोर पर वेबसाइट खोलूँगा। ये रहा आपका, तो मैं इस जगह आऊँगा और ये जो वेबसाइट है इस जगह आपको पब्लिशर का अकाउंट खोलना है इसमें ऐड स्टोर। याद रखिएगा मैंने भी गलती की थी, तो मैं दोबारा मैं ये चीज चल रहा, तो मैं ऐड मेरे दो दो चल रहे देख सकते हैं। मैं आप ऐड वेबसाइट न्यू एड न्यू वेबसाइट पर मैं क्लिक करूँगा और वेबसाइट को आप यहाँ लिंक पेस्ट करना है और इस जगह आप इतना कोड नहीं डाल सकते, HTTPS को आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं हटा देता हूँ और ये कैटेगरी आपको मांगेगा, तो आप सोशल डालें और आपको कितने का पॉपुलरेट, आप कितना का एड यूनिट डालना है, यानी कि आपको होता है ना कि कितने लंबा होता है फूल आ जाएगा, तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। इसके लिए आपको चलना है कहाँ, आपको 480x60 pixel पे चलना है। आपको इस पर क्लिक करना है और ऐड करना है। ये वेबसाइट मेरा ऑन हो गया है और आपको मैं पोस्ट भी नहीं करूँगा वीडियो, आप दो मिनट नहीं, आपको 5 सेकंड के ही अंदर आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। मैं रुका हूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ। देखो मात्र 5 सेकंड में आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है। आपको कोड लेना है, कोड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑल कोड पर। सॉरी मैं क्लिक कर दिया। कोड कॉपी हो गया, सिर्फ आप वो इस पे क्लिक किए तो आपका कॉपी हो गया, फिर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया और आपको चलना है कहाँ, ब्लॉग के HTML में आया, ब्लॉग का HTML Thank you.
HTML खुला, मैं एडिट HTML पे मैं जाता हूँ और आपको दो ऐड होगा उसकी स्क्रॉल के बीच में आपको डालना होगा वो कोड। सो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार किस जगह है। तो अब धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिएगा क्योंकि वो फ़ोन है वहाँ, नहीं तो कंप्यूटर रहेगा तो कंट्रोल F डालिए तो वो आपको खुल जाएगा फ़ोन। तो मैं चलता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये जो है ऐड कोड है, तो मैं ये इस जगह में क्लिक करूँ, एक जगह मैंने पेस्ट कर दिया और मैं देखता हूँ और किस जगह 410 पे भी है, मैं कर दिया पेस्ट और मैं देखता हूँ। क्योंकि भाई आपको यर्न कहाँ से आ रहा है पता है, आपका एड के थ्रू से ही आपकी कमाई होती है, याद रखिए एक चीज। कर दिया मैंने और ये मैं सेव कर दिया। अब मैं वेबसाइट का लिंक मैंने जो कॉपी किया था अब मैं चेक करना चाहता हूँ, मेरे वेबसाइट पे भाई एड शुरू हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यस सेव, ऑन मैं करता हूँ और ये तो एड आया ही नहीं। अब मैं चेक कर 2 सेकंड में रुकता हूँ, एड देख सकते हैं आप, ये जो एड है आप देख सकते हैं एड आ चुकी है, ये एक जगह, दो जगह, तीन जगह, लास्ट में तीन एड आ गई है। आपको लग रहा होगा एडी, ये देखिए एड, ये देखिए एड, इसी तकलीफ से आप कमाई होगी। सो आपको मैंने बता दिया किस तरह से आपको इस पूरी है और किस तरह से वेबसाइट को मोनेटाइज करना है।